नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेनेसी विलियम की एक महत्वपूर्ण प्ले दी ग्लास मैनेजरी के बारे में। द ग्लास मैनेजरी एक याददाश्त पर आधारित कहानी है जिसमें कथाकार टॉम अपनी यादों के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाता है। यह कहानी सेंट लुइस की जमाने की है। यह कहानी मुख्यतः एक परिवार के इमोशन पर केंद्रित है। कथाकार टॉम अपनी माँ अमांडा और बहन लोरा के साथ मिसिसिपी शहर में एक पुराने से अपार्टमेंट में रहते हैं। टॉम एक सुवेयर हाउस में काम करता है, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता है। वह एक कोक बनना चाहता था। उसके पिता वर्षों पहले उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। वह प्रतिदिन शराब पीता है, छुपकर मूवी थिएटर और बार में जाता था, कभी देर से घर आता था। उसकी माँ एक पुराने मैगजीन ऑफिस में काम करती थी। अमांडा उसे समझाया करती कि वह सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। उनकी माँ उन दोनों के बारे में बहुत चिंतित रहती है, खासकर अपनी बेटी लोरा के लिए, चूंकि वह बहुत ज्यादा शर्मीली है। लोरा के एक पैर में कुछ दिक्कत होने की वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती थी, इसी वजह से वह हमेशा तनावग्रस्त रहती थी। उनकी माँ अमांडा बच्चों को अपनी जीवन काल के बारे में बताया करती थी। उसे टॉम को भी काफी बार बोल रखा था कि अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखे। लोरा के टेंशन को कम करने के लिए उसकी माँ अमांडा उसे एक बिजनेस अकेडमी में भर्ती कर दी, लेकिन वो वहाँ से भी की जल्द ही वापस आ गई। उसे वहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लोरा के पास कुछ कांच के खिलौने थे, यानी कुछ कांच के बने एनिमल। वो उन खिलौनों से 24 घंटे खेला करती थी और उसी में अपनी दुनिया समेटी हुई थी। उसकी माँ अमांडा टॉम को कहती है कि वो अपने साथ वेयर हाउस में काम करने वाले कुछ उसके दोस्त को घर लाया करे, ताकि वो लोरा से मिल सके और इसी बहाने वो किसी तरह लोरा को पसंद कर ले। घर के रोज होती बहस से टॉम थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। कुछ महीनों के बाद एक दिन टॉम घर आता है और अपनी माँ अमांडा को बताता है कि उसका एक दोस्त जिम, जो सू वेयरहाउस में उसी के साथ काम करता है, वह आज शाम डिनर पर आ रहा है। यह सुनकर अमांडा खुश होती है और डिनर के लिए तैयारी करने लग जाती है। उसकी बेटी लोरा उससे उस लड़के का नाम पूछती है और जब उसे जिम का नाम पता चलता है तो अपसेट हो जाती है, क्योंकि लोरा के स्कूल के समय एक जिम नाम का लड़का उसका क्लासमेट था, जो उस वक्त किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था। लारा यह बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन वह लोरा को समझाती है कि बचपन की बातों की तरफ से अपसेट नहीं होना चाहिए, तुम्हें उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए। उसके माँ के समझाने पर वह शाम के डिनर में जिम से मिलने को तैयार हो जाती है। शाम को ठीक समय पर जिम लोरा के घर पहुँच जाता है। लोरा उसे देख कर फिर अपसेट हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जिम लोरा को नहीं देख पाता है। वह लोरा की माँ और टॉम से बात करने में व्यस्त था। डिनर के बाद अचानक घर की बिजली चली जाती है, तो अमांडा कैंडल जलाती है और जिम से कहती कि लोरा के कमरे में जाओ, उससे बातें करो। जिम कैंडल लिए लोरा के कमरे में दाखिल होता है। वहीं लोरा बैठी होती है। कैंडल की रोशनी में जिम लोरा को पहचान जाता है। उसके आने से लोरा कुछ असहज महसूस करती है, लेकिन जिम के दोस्ताना व्यवहार से वह जिम से बातें करने लगती है। दोनों अपने पुराने स्कूल की बातों को याद करते हैं, हंसते हैं। फिर लोरा उसे अपना पसंदीदा ग्लास मैनेजरी दिखाती है। वह अपना फेवरेट यूनिकॉर्न भी दिखाती है। अब जिम लोरा के साथ डांस करने लगता है। लोरा भी खुशी से उसके साथ डांस करती है। इसी डांस के वक्त जिम की थोड़ी गलती की वजह से यूनिकॉर्न नीचे गिर जाता है और उसका होंठ टूट जाता है। जिम लोरा से सॉरी बोलता है तो लोरा कहती कि कोई बात नहीं। फिर जिम लोरा को किस करता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह लोरा को सच बता देता है कि उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो चुकी है, इसलिए वह लोरा से शादी नहीं कर सकता। वह एक बार फिर माफी मांगता है। लोरा इतना सुनते ही फिर दुखी हो जाती है। अमांडा ये सारी बातें छुप कर सुन रही होती है। लोरा का दिल टूट जाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वह अपने टूटे दिल और गम की आगोश में खो जाती है। वह अपना टूटा यूनिकॉर्न जिम को दे देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। जिम यूनिकॉर्न ये चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिम के जाने के बाद अमांडा को टॉम के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वह टॉम पर चिल्लाती है कि जब उसे मालूम था कि जिम की मंगनी किसी दूसरे लड़की से हो चुकी है, तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। इस तरह से उसे अपनी बहन की भावनाओं से मजाक नहीं करना चाहिए था। टॉम इस पर कहता है कि उसे जिम की मंगनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इसी बात पर दोनों में बहस होती है। लारा अपने कमरे में बैठी निराश और गम में चुपचाप अपने बाकी कांच के खिलौनों को निहार रही थी। टॉम अपनी माँ अमांडा से बहस कर घर से दूर बहुत दूर चला जाता है।
वह आज अपने घर से बहुत दूर है, लेकिन उसकी माँ और बहन की यादें अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है।